नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। पिछले साल अगस्त महीने में केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए प्लेन क्रैश हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शनिवार को प्लेन क्रैश की अपनी जाँच रिपोर्ट को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस प्लेन क्रैश में 20 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। AAIB की 257 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे की संभावित वजह पायलट का SOP पालन नहीं करना है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इसके अलावा हादसे के लिए प्रणालीगत विफलताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। 7 अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस B737-800 विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त क्रैश हो गया था। ये विमान रनवे से उतर गया था और उसके दो टुकड़े हो गए थे। विमान दुबई से कोझिकोड आया था। विमान में कुल 190 यात्री सवार थे, जिसमें 20 लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी। हादसे में दो पायलटों की भी मौत हो गई थी, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। AAIB नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक डिवीज़न है और विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है। AAIB ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि दुर्घटना के लिए एक सहायक कारक के रूप में प्रणालीगत विफलताओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि दुबई से उड़ान भरने वाली फ्लाइट 1344 में कुल 184 यात्री और क्रू मेम्बर के 6 सदस्य सवार थे। पिछले साल 7 अगस्त को कोझिकोड में उतरते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में मारे गए लोगों में 19 यात्री और 2 पायलट शामिल थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।